और लकीली मेरे को स्क्विड गेम्स के हमारे इंडिया के भाई मिल गए, जो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था आपने, और कितना मेन कैरेक्टर था इनका, आपको याद रहेगा, तो बहुत ही अच्छा लगा। भारत भारत माता माता की जय 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 हिंद जय हिंद जय भारत जय भारत। Maxine from Belgium. Ayana from Kazakhstan. Ayana from Kazakhstan. And? Russia. Russia. Name? Victoria. Victoria. Victoria Palace kind of thing, huh? अगर आप कल आते तो आप बनी थी। क्यों ऐसा, क्या आज और कल में क्या फर्क है? कल मेरे लिए बनी थी। कल आपके लिए बनी थी, तो वापस कल आ जाता हूँ। तो अगर आप वैसी कंट्रीज को चूज़ कर रहे हो जाने के लिए, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, रशिया हो गया, जो आपको पता है कि 12-15 दिन से ऊपर ही ट्रिप होने वाली है और वहाँ पे खाने पीने के पंगे हो सकते हैं, तो नॉर सूप्स के हो गए, मैगी हो गया, ऐसे चावल वावल ले लेने का, और हॉस्टल वगैरह अच्छी बुक करने का, दिन का 200-400 ज़्यादा लगेगा चलेगा, बट यू नो आपका खाने पीने का आसान हो जाएगा और पैसे उधर बच जाएंगे, बस वही बात है। ये देखो, बटर डाल देने का गरम करके, उसके बाद मस्त ये पाउडर डालने का, उसके बाद ऐसे हाथ से बेयर हैंड से पूरा ऐसा मिक्स करके खाने का मजा आ जाता है। ठंड के मौसम में पार्क्स वगैरह कितने सुहावने लगते हैं ना, मतलब झाड़ को देख लो, ऐसा लगता है, देख के लगता है कि हाँ भाई ठंडी स्टार्ट हो गई। अगर आपको ठंडी नहीं भी लग रही और झाड़ को ऐसा देखोगे ना, फिर भी ऐसा महसूस हो जाता है कि हाँ ठंड मौसम स्टार्ट हो गया है। तो गाइस, क्या हाल है आप सभी का, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए प्यारे से वीडियो में साउथ कोरिया सीरीज के। इस वक्त मैं बाहर निकला हूँ हॉस्टल से और जा रहा हूँ एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ मैंने पहले भी अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर डिनर किया था, आपको शायद ध्यान रहेगा। अभी आप बोलोगे कि अभी तो खाया चावल हॉस्टल में बना के, तो फिर रेस्टोरेंट क्यों? तो मैं वापस उधर खाने नहीं जा रहा हूँ। मेरे को कल उन्होंने बताया था कि आज के ड्रामा का कुछ शूट होने वाला है वहाँ पे, सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो खैर दोपहर के 2:30 बज गए, लेकिन वही सुबह इतना थकान था कि होने को नहीं हुआ उठना, और बस फिर टाइम ऐसे ऐसे जाते रहा। मेरा भी थोड़ा एडिटिंग का काम था, मैंने सोचा कि अभी सब कुछ हो ही गया है तो क्यों ना एक बार राउंड मार ही लूँ, 12 मिनट बाय वॉक किया, ज़्यादा दूर है नहीं मेरे हॉस्टल से, तो अभी जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमें शूटिंग देखने मिल सकती है के ड्रामा की, क्योंकि के ड्रामा सिर्फ कोरिया तक ही सीमित नहीं है। आपको भी पता है कि लोग को इतना अच्छा लगता है इंडिया में भी, स्पेशली स्क्विड गेम्स। मैंने आज तक कोई के ड्रामा नहीं देखा है, मैंने स्क्विड गेम्स देखा है, मेरे को बहुत पसंद आया था, सच कह रहा हूँ, स्टोरी लाइन, एक्टिंग, मतलब सारी चीज़ें। उसके बाद तो कुछ देखी नहीं है, रितिका बड़ा देखती है और मेरी सालिया जो है ना वो बड़ा देखती है कोरियन ड्रामा, तो वो लोग खुश हो जाएंगे अगर के ड्रामा का कुछ शूट वूट मैं बता दूँ उसमें। तो बस वही बात है, होप फॉर दी बेस्ट कि हमें थोड़ा जाने मिले, शायद जाने भी नहीं मिल सकता क्योंकि शूटिंग प्लेस पर थोड़ी अलाउड होता है किसी को, अगर जाने मिल गया तो वेल एंड गुड। अरे ये क्या सीन है। ये देखो, लगता है बहुत साल पहले यहाँ पे रेल रूट रहेगी, वो बंद कर दी गई रहेगी, बिकॉज सारी चीज़ें अभी अंडरग्राउंड हो गई है, मेट्रो वगैरह, तो ये सब बंद कर दिया है, लेकिन देख लो कितना मस्त लग रहा है ना, बच्चे लोग खेल भी रहे यहाँ पे। अब ऐसा है ना कि आज की तारीख में इनका परिचय देना मतलब अपने आप में एक वो तौहीन जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो शक्ल तो आप इनको पहचानते हो, 100% पहचानते हो, नहीं पहचानते हो ठीक है फिर भी कर ही देता हूँ, क्योंकि 90% पहचाने के 10% के लिए परिचय देना पड़ेगा। ये है अनुपम जी त्रिपाठी जी, और बताइए आप ही। अनुपम त्रिपाठी, और आप लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है, इस वजह से काम करने लगा था। अभी मैं हॉस्टल से निकला, आपको मैंने क्या बोला था कि शायद के ड्रामा शूट देखने मिल जाए अपने को, है ना, और स्क्विड गेम्स देखने के बाद ही मैं भी थोड़ा फैन बना हूँ। मैंने स्क्विड गेम्स के पहले या बाद में कभी कोई देखी नहीं है, और स्क्विड गेम्स की मैंने तारीफ भी करी थी कि इतनी अच्छी एक्टिंग सबकी, और यू नो इतना अच्छा स्टोरी लाइन वगैरह, सब कुछ मैंने बोला था, और लकीली मेरे को स्क्विड गेम्स के हमारे इंडिया के भाई मिल गए, जो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था आपने, और कितना मेन कैरेक्टर था इनका, आपको याद रहेगा,
तो बहुत ही अच्छा लगा, आप भी एक्टर हैं इनमें गौरव जी? मैं भी नहीं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। मजाक करता रहता है, बढ़िया आदमी है, मजेदार है। नहीं लेकिन आप तो बढ़िया आदमी हो, ये मेरे को मानना पड़ेगा, क्योंकि आज इतना नाम हो जाता है इंसान का फिर भी डाउन टू अर्थ वो डेफिनेशन रहता है ना, वो देखने मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है ना, सुनते तो बहुत है लेकिन जब देखने मिलता है तो अच्छा लगता है। इंडियंस का एक माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है कोरिया के अंदर ना। करेक्ट है, बिल्कुल है। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, जितने इंस्टाग्राम पे भी पेजेस होते हैं ना, जैसे क्या क्या वो मीम्स के पेजेस, उसमें भी उस टाइम पे मेरे को याद है कि आपके फोटो आए थे कि प्राउडली एन इंडियन एक्टर इन योर स्क्विड गेम, लाइक वो बहुत आया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने घर से लोग, मतलब अपने घर से मतलब इंडिया से, हाँ सब लोग तारीफ करते हैं आपके काम की, तो बहुत अच्छा लगता है। इंडिया में भी नंबर वन हुआ वो दो हफ्ते के लिए, बहुत फील्स ग्रेट, लाइक मैं यहाँ पर हूँ और मुझे घर पे लोग जानते हैं। करेक्ट, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि आप अपना जो काम कर रहे हो मेहनत से, लोग उसे देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। बस इसका ये मतलब नहीं कि आप मतलब एक ही बार करो, मतलब एक बार हो गया काम खत्म, काम अब दूसरा काम ढूंढेंगे, बस करते रहो, मेहनत करेंगे, वो अच्छा होगा नहीं होगा किसको पता है, किसको पता है। यहाँ पे कोरियन एक्टर्स भी बहुत मिले रहेंगे आपको, बहुत मतलब सीनियर्स बहुत सारे हैं। ओके ओके, मेरे स्कूल से काफी सीनियर्स हैं जो यही पे आपने एक्टिंग क्लासेस ली थी कोरिया में? मेरा ग्रेजुएशन यही से हुआ है। कोरियन मतलब मैं दो बार एक स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, मैं स्कॉलरशिप उसके ही थ्रू, ऑफकोर्स मतलब स्कॉलरशिप नहीं होती तो शायद मैं कभी एक्टिंग पढ़ता नहीं, थिएटर करता और थिएटर करते करते शायद बंबई जाता है। करेक्ट है, थोड़ी सी मतलब चीजें बदल जाती है, बदल जाती है, म्यूजिक आ जाता है उधर, गाने आ जाते हैं, इधर गाने नहीं है, इधर म्यूजिक नहीं है। करेक्ट है, तो यहाँ पे उनको लगता है बड़ा स्पेशल चीज है। जैसे RRR भी बहुत फेमस हुई, बहुत थ्री इडियट्स का अलग ही क्रेज है कोरिया में। अच्छा, अभी Black, भी चलता है, ब्लैक के बारे में लोग अभी भी बात करते हैं, लाइक अमिताभ बच्चन का दिलेर मेहंदी, ही वाज रियली फेमस सिंस 1998 व्हेन दैट तुनक तुनक तुम केम। सो लाइक देयर आर लाइक दिस कल्चर एक्सचेंज इज देयर। करेक्ट, सिंस लाइक इवन आई डिडंट नो, लाइक आपको भी पता होगा मुझे भी, बट देयर वाज, बट ये बूम उसकी वजह से हो रहा है मुझे लगता है। करेक्ट है, वहाँ से चीजें यहाँ भी फेमस होती है, यहाँ से चीजें वहाँ भी फेमस होती है। करेक्ट, कल्चर एक्सचेंज तो होती रहता है दोनों कंट्री के बीच में, ये अच्छी चीज है कि अच्छी चीज है, सीखने भी मिलता है जी। ऑफ कोर्स यार, ऑडियंस का ही खेल रहता है। अब जैसे कि मैं भी यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, कोई कंटेंट मेरा, कोई ट्रिप मेरी फ्लॉप भी जाती है, कोई सीरीज सुपर हिट जाती है, कोई वायरल हो जाता है, तो ऑडियंस के हाथ में रहता है कि ऑडियंस किसको सहार रही है, यू नो। तो इन सब चीजों से आपको समझ में आता है कि हाँ यार अपना काम मेहनत से करते जाओ, और यार उसी में अगर किसी का कुछ भला हो रहा है तो साथ साथ करते चलो, बाकी हंसते चलो, गुनगुनाते चलो, यही सब कुछ सिखाया हमने। और देखते रहो इनकी मूवीज वगैरह, इनके के ड्रामा सीरियल्स एपिसोड वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म सारी चीजें, और देखते रहो प्रतीक जैन व्लॉग्स के वीडियो यूट्यूब पे, देखते रहो इसके वीडियो देखते रहो भाई अपना। तो अच्छा है, आज बोला मिलकर अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सच में कह रहा हूँ, मजा आ गया। थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका यूट्यूब चैनल और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, फ्लरिश करे। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट। डायरेक्टर राइट? या ओके ग्रेट, अच्छा नाइस टू मीट यू, गुड टू सी यू। ओह थैंक यू। लो जिस चीज की बात करो वही चीज हो जाती है, उससे रिलेटेड तो कितनी खुशी मिलती है ना, एक्सपेक्टेशन जब हो जाती है। मैं स्क्विड गेम्स की बात कर रहा था कि के ड्रामा का एक एग्जांपल दे रहा था ना, कि वही वेब सीरीज मेरे को अच्छी लगी और वही देखी है, तो उससे रिलेटेड एक मेन कैरेक्टर दिख गए और बहुत ही अच्छा लगा मिलके। बातें भी बहुत सारी हुई, आपने देखा ही है, और शूट भी हो रहा था वहाँ पे, इसलिए अंदर तो शूट कर नहीं सकते ज़्यादा, बिकॉज फिर वो कॉस्ट्यूम्स वगैरह का वो डिस्क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से अलाउड इतना नहीं रहता है, तो अंदर ज़्यादा इसलिए शूट नहीं कर पाया, और ऊपर से आवाज़ वावज़ भी नहीं कर सकता, इसलिए नीचे उतर के बहुत सारी बातें की, और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, तो अच्छा भी लगा मिलके बात करके, टाइम स्पेंड करके, बस वही बात है। आज पूरा दिन पता नहीं ऐसे ही जा रहा है, शूटिंग वूटिंग सब, शॉर्ट्स और सब क्या क्या देखने मिल रहे हैं, मतलब अब पता नहीं कौन सी जगह पे हो, बहुत ही प्यारी सी है, यहाँ पे टेडी बेयर इतना बड़ा सा हाय बोल रहा है स्क्रीन पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमाल का है। और यहाँ पे मैं जैसा आया तो उधर कुछ लड़कियाँ नाच रही थी, वो आप देख पा रहे हो, एक बड़ा सा बंदा अफ्रीका का कि या फिर वेस्ट इंडीज़ का आई डोंट नो, वो कैमरा लेके ये इधर उधर ऐसा ऐसा सब कर रहा था। और थोड़ा और आगे आया
तो यहाँ पे भी कुछ शूट चल रहा है। सही है यार, मतलब शूटिंग कल्चर बहुत सही है यहाँ पे। इनका ब्रेक चल रहा है। Where are you from? I'm from Belgium. Belgium. What's your name? Maxine. Maxine from Belgium. Ayana from Kazakhstan. Ayana from Kazakhstan. And? Russia. Russia. Name? Victoria. Victoria Palace kind of thing, huh? Nice. Nice to meet you all. Nice to meet you. Enter. Thank you. What's your name? Clyde. Clay. My name is Pratik. Nice to meet you. Same here, same here. Bye-bye. Bye-bye. Welcome in 15 seconds. Yes. ऐसा कुछ चैनल का नाम है Welcome in 15 seconds. बस 15 सेकंड में निपटा देते हो आप लोग काम. It's very like 15 seconds. At least you give 1 minute. 그렇다고 합니다. 구독. 구독. 좋아요. 좋아요. 댓글. 댓글. 알림 설정. 나마스테. 알림 설정. 알림 설정. 부탁드려요. Now you say. 바랏 마타 키. 바랏. 세. भारत भारत माता माता की जय 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 हिंद जय हिंद जय भारत जय भारत बढ़िया बाय 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 बाय। इतना पूरा कार्यक्रम था, कुछ क्रश करना था, कर दिया मैंने और मेरे को मिला है 10,000 won. 10,000 won यानी कि 580 रुपया जीता हूँ। बस दोपहर से हो गई शाम और भूख भी लग गई, बिकॉज टाइम हो गया ना चावल का के, और जहाँ शूटिंग चल रही थी वहाँ तो खा नहीं सकते थे, मतलब वो भी इंडियन रेस्टोरेंट थी। तो ऑलरेडी मैंने आपको दो इंडियन रेस्टोरेंट के ऑप्शंस बताए पहले, ठीक है, अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक और इंडियन रेस्टोरेंट, ताकि क्या आपके पास भी वेराइटी ऑफ ऑप्शन हो हर जगह में। ये सिंचौन करके इलाका है, होंगडे के बाजू में ही आता है। तो यहाँ पे एक है ज्योति रेस्टोरेंट, जो कि अगेन एक इंडियन रेस्टोरेंट है। मैदे की रोटी और नान अलग है। मैदे की रोटी नहीं खानी है ना, तंदूरी नहीं है? नहीं, मैं पूछ सकती हूँ। पूछो ना, मुझे खाया नहीं है, 3 दिन से भूखा हूँ, मतलब चावल ही खा रहा हूँ। अगर आप कल आते तो आपको मिलती। क्यों, ऐसा क्या आज और कल में क्या फर्क है? कल मेरे लिए बनी थी। कल आपके लिए बनी थी, तो वापस कल आ जाता हूँ। एक दिन छोड़ के एक आप खाते रहोगे। समोसा चाट है ना। आपका नाम क्या वैसे? रीनू। रीनू, आप दिल्ली से हो राइट, आपने बताया। तो आप यहाँ पे एक साल से हो कोरिया में या? एक साल होने वाला है। अच्छा, बढ़िया है। रेनू जी, स्टूडेंट हो आप? हाँ। और पार्ट टाइम ये? हाँ। बहुत खूब, इससे बेटर और क्या हो सकता है कि यू नो आप दूसरे देश में जाके स्टूडेंट भी हो और साथ ही साथ, जैसे यूएस में जाते तो वो तो कंपलसरी हो ही जाता है, वरना खर्चा कैसे निकालोगे आप?
वही बात है, ये अच्छी बात है, पढ़ाई भी करो उसके बाद पार्ट टाइम जॉब भी करो, बहुत को और इंडियन रेस्टोरेंट में काम मिले तो और क्या ही चाहिए। हाँ, और यहाँ का खाना अच्छा है। तो ये आ गया जी हमारा समोसा चाट। और क्या प्रेजेंटेशन लग रही है यार, मतलब तबियत वाली लग रही है, मस्त गरम गरम पानी भी मंगा लिया क्योंकि ठंडी चल रही है। और अब देखते हैं, दही से भरा हुआ, चटनी से भरा हुआ और बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, खा के मजा आएगा इसको। वाह, एकदम इंडियन वाला टेस्ट। इंडिया में नहीं खाते वो, अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट में आप जाके, वैसा ही है। 450 रुपए के हिसाब से थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन है बड़ा टेस्टी और पोर्शन भी ज्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट्स लोगों से मिलते हो, जब बात बात करते हो, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो यू नो स्ट्रगल कर रहे घर से इतना दूर आके, तो अच्छा लगता है। वो बता रहे थे कि कुछ वो कोरियन लैंग्वेज का कोर्स करें, बिकॉज अगर मास्टर डिग्री या किधर भी एडमिशन लेना है या फिर जॉब भी करनी है अच्छी अच्छी कंपनियों में कोरिया में, तो आपको टॉकिंग लेवल 4 आनी चाहिए। मतलब वो लैंग्वेज का लेवल रहता है ना, सब कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो 4 लेवल के बाद ही आप ये सब अप्लाई कर सकते हो एडमिशन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में या फिर जॉब के लिए। तो 21 महीने का कोर्स रहता है लैंग्वेज सीखने का, और 3 महीने का इनको 1,00,000 रुपया फीस लगता है, मतलब 7,00,000 इंडियन रुपीज़ लगेगा टोटल 21 मंथ का कोर्स। और ये पूरा कोर्स होने के बाद फिर ये बड़ी मास्टर्स डिग्री लेने के लिए या फिर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। सही है, मतलब नया नया चीज़ सीखने मिलता है जैसे जैसे आप बातें करते हो, है ना। Hyundai डिपार्टमेंटल स्टोर, पता है ना आपको, किया मोटर्स, Hyundai, सारी साउथ कोरिया की ब्रांड है, सैमसंग, पता ही रहेगा आपको। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से मेरा होंगडे जो इलाका है जहाँ पे मेरा स्टे 20 मिनट की दूरी पे है बाय वॉक, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही है चलने के। हालांकि मैं आया तो चल के, पहले शूटिंग साइट पे गया, फिर ऐसे ऐसे मतलब पार्ट पार्ट वेज में यहाँ तक आया हूँ, लेकिन मैं सोचा अभी जाता हूँ वापस मेट्रो से, भले ही 60-70 रुपीज़ कटेगा। एक ही स्टॉप है, सिंचौन है बगल में, ये होंगडे के एक ही स्टॉप का मामला है, तो मेट्रो पकड़ के जाता हूँ, पहुंच भी जाऊंगा, है ना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, कि कैसे अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो सकती है आपके साथ अगर आप कहीं घूमने निकलते हैं। तो आज मेरे साथ वही सब हुआ है लगभग, तो बस फिर ऐसी ही अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहे, नई चीजें हम देखते रहे, सीखते रहे, नए लोगों से मिलते रहे, उनसे सीखते रहे, और बस जिंदगी ऐसी चलती रहे। वैसे आप बिना लाइक किए कहीं जाना मत, है ना, वीडियो को लाइक जरूर देना। बाय।